नमस्कार दोस्तों, मार्फो आरडी सर्विस का एक नया अपडेट आया हुआ है और ये अपडेट सभी को जानना जरूरी है जो लोग मार्फो यूज करते हैं। वो क्या अपडेट है, उसी अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, मार्फो आरडी सर्विस का जो लोग अपडेट अभी तक नहीं किए हुए हैं तो उन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारे पास भी कुछ लोगों का फ़ोन आया हुआ है कि मेरा मार्फो काम नहीं कर रहा है लेकिन अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में प्लग इन कर रहे हैं तो वहाँ पे रेडी टू यूज में यानी कि सक्सेसफुली इंस्टॉल दिखा रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, लाइट नहीं जल रही है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसका कारण यही है कि जो नया अपडेट आया हुआ है इसी के वजह से हुआ है। दोस्तों, ये जो अपडेट है 23 जुलाई यानी कि कल के डेट में ये अपडेट आया हुआ है। जो लोग इस अपडेट को इंस्टॉल नहीं किए हैं यानी कि जो आरडी सर्विस है उनके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल है उसे हटाकर नया आरडी सर्विस नहीं इंस्टॉल किए हैं या फिर जो पुराना आरडी सर्विस है उसे अपडेट नहीं किए हैं तो उन्हीं लोगों को ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले अपने सिस्टम की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या अपडेट आया हुआ है, उस अपडेट में क्या करना है। दोस्तों, मार्फो के साइट पे आएंगे और इस साइट का नाम है rdservice.online.com। इस साइट पे आएंगे तो मार्फो का इस तरह से एक पेज खुल के आएगा। जो पेज पहले खुलता था ये इस तरह से खुलता था, ये नीचे जो एक येलो और रेड में कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ ये पहले नहीं था, ये 23 जुलाई से आना स्टार्ट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आरडी सर्विस के सभी पुराने वर्जन 23 जुलाई 2022 को बंद हो जाएंगे और 23 जुलाई 2022 के बाद 2.0.1.54 वर्जन के अलावा कोई भी पुराना आरडी वर्जन नहीं चलेगा। असुविधा से बचने के लिए वेबसाइट में डाउनलोड के विकल्प से नई विंडोज आरडी सर्विस वर्जन 2.0.1.54 डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। नई विंडोज आरडी सर्विस वर्जन 2.0.1.54 को अपडेट करने के स्टेप डाउनलोड करें। कैसे डाउनलोड करना है उसका भी यहां पे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहां पे बताया जाएगा कि किस तरह से उसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इंस्टॉल करें उसका भी यहां पे लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले डाउनलोड करना बताते हैं उसके बाद इंस्टॉल करना बताते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए यहां पे डाउनलोड पे आ जाएंगे। डाउनलोड पे आने के बाद यहां पे चार लिंक दिए गए हैं, अगर एंड्रॉइड के लिए करना है तो एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे या फिर एंड्रॉइड के लिए तो आप प्ले स्टोर में जाकर वहां से भी नया वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं या जो पुराना वर्जन है उसे अपडेट कर सकते हैं। अगर अपडेट नहीं आता है तो उसे अनइंस्टॉल करके फिर से दोबारा डाउनलोड करेंगे तो नया वाला वर्जन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। कंप्यूटर में करने के लिए यहाँ पे विंडोज़ का पहला जो HTTP लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो आरडी सर्विस है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉल करने से पहले हमें चेक करना होगा कि जो हमारे सिस्टम में जो आरडी सर्विस इंस्टॉल है उसे पहले हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए पहले तो हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, यहाँ पे जो भी मार्फो का आरडी सर्विस यहाँ पे इंस्टॉल है उसे हटाएंगे यानी कि उसे अनइंस्टॉल करेंगे। यहां पे देख सकते हैं मार्फो आरडी सर्विस ड्राइवर वर्जन 2.0.1.46, ये पुराना वर्जन है और जो नया वर्जन है वो लास्ट में 5.4 आ चुका है। इसे पहले हम अनइंस्टॉल करेंगे फिर यस करेंगे, ओके करेंगे। यहां से आप देख सकते हैं कि ये मार्फो का आरडी सर्विस अनइंस्टॉल हो चुका है। अनइंस्टॉल होने के बाद एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम कंप्यूटर में जाएंगे, माय कंप्यूटर में जाएंगे, उसके बाद सी ड्राइव को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद प्रोग्राम फाइल दिया हुआ है, प्रोग्राम फाइल के ऊपर यानी कि जैसे ही सी ओपन करेंगे तो यहाँ पे मार्फो के नाम से जितने भी फोल्डर बने रहेंगे उन सभी को डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो फोल्डर बना हुआ है, दोनों फोल्डर को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ से जब डिलीट हो जाएगा जो आरडी सर्विस हमने डाउनलोड किया है उसे अब रन कराएंगे। उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट हो चुका है और इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इंस्टॉल करने का जो पुराना तरीका था सेम वही तरीका है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम वही तरीका है, बशर्ते ये है कि जो पुराना वर्जन है उसे हटाना है और नए वर्जन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपकी दिक्कतें हो रही थी वो सारा दिक्कतें यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, या प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा था वो काम करना अब स्टार्ट हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो चुका है,
यदि आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो फिनिश पे करेंगे तो आपका सिस्टम पूरी तरह से रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद आप अपना मार्फो डिवाइस यूज करके अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों यही अपडेट था मार्फो से रिलेटेड। जो लोग भी अगर मार्फो यूज करते हैं तो पहले पुराना वर्जन को अनइंस्टॉल करेंगे, नए वर्जन को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करेंगे तो उनका पूरा काम जैसे पहले चल रहा था वैसे फिर चालू हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।